Hello students, welcome back to SSB Crack Exams. I am Himani Sharma, your maths mentor. और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं top 200 most expected questions upcoming AFCAT 2020 examination में. तो हम discuss कर रहे हैं numerical ability section और यहाँ पर है आपके साथ part 2 जिसमें हम फिर से discuss कर रहे हैं कुछ questions percentage के, ताकि आपको पूरी clarity मिल जाए कि किस तरीके के questions percentage के पूछे जा सकते हैं AFCAT एग्जामिनेशन में. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे SSB Crack Exams पोर्टल पर सभी डिफेंस और पैरामिलिट्री एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं. और जैसा कि आप देख सकते हैं, AFCAT एग्जाम में सभी कोर्स बंडल में पूरा डिटेल्ड सिलेबस कवर किया गया है आपके AFCAT एग्जामिनेशन के लिए. आप घर बैठे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. आपको सभी करंट अफेयर्स और सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यानी आपको पूरा फुल लाइफ साइकिल मिलेगा घर बैठे. बस आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है, AFCAT कोर्स बंडल सिलेक्ट करना है और जब आप बाय करने लगेंगे वहां पर अप्लाई कीजिए कोड Warrior 10. वॉरियर 10 कोड अप्लाई करते ही आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ये सभी कोर्सेज के लिए वैलिड है. आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है learn.ssbcrackexams.com. गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे SSB Crack Exams नाम से, तो आपको मिलेगी हमारी ऐप जिसमें आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है. आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और बहुत कुछ नया सीख सकते हैं. तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस परसेंटेज के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं AFCAT एग्जामिनेशन में. तो अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, 10, 20, 30 और 40. तो हमें जब भी क्वेश्चन करना है परसेंटेज का, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगा. आपको बस ये समझना है कि वो लैंग्वेज क्या कह रहा है क्वेश्चन की. परसेंटेज का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक्स परसेंट ऑफ वाई नंबर का मतलब हो जाएगा x अपॉन 100 ऑफ y. बस इतना सा कंसेप्ट है परसेंटेज का, सब कुछ लाय करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में. अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं जो कि हैं 20% और 50% किसी थर्ड नंबर के, तो आपको बताना है कि परसेंटेज फर्स्ट नंबर का क्या है सेकेंड नंबर से. तो इस क्वेश्चन में आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो थर्ड नंबर क्या है, पर आपसे ये पूछा है कि थर्ड नंबर का इतना इतना परसेंट है फर्स्ट और सेकेंड नंबर. तो जब आप फर्स्ट नंबर का परसेंटेज सेकेंड के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या होगा. तो जब भी आपसे दोबारा ऐसे परसेंटेज ही पूछा होता है और स्टार्टिंग में भी परसेंटेज की रिस्पेक्ट में दे रखा होता है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स आप क्या कर सकते हैं, आप थर्ड नंबर को लेट कर लीजिए. लेट द थर्ड नंबर बी 100. इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी. एक्स लेने में कोई हार्म नहीं है, बट इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी और आप बहुत क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. कैसे, अगर थर्ड नंबर आपने 100 चूज कर लिया तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 20% ऑफ 100. तो यानी 20 upon 100 into 100 जो कि 20 होता है. तो हमेशा 100 लेने पे इस तरीके के कैलकुलेशन हो जाएंगे. और सेकंड नंबर आपका क्या बन जाएगा, सेकंड नंबर डायरेक्टली 50 बन जाएगा, बिकॉज 50% ऑफ 100 आएगा वो. हमने थर्ड नंबर 100 चूज किया है ना, तो ये बन जाएगा 50. अब फर्स्ट नंबर आपने ले लिया है 20, सेकंड नंबर ले लिया है 50. पूछा गया क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, ये परसेंटेज आपको बतानी है. और परसेंटेज बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये है आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 100 अपॉन में 2.5, यानी ये आपका बन गया 40%. तो 40% आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी में दे रखा है ये, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, आप क्वेश्चन बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड्स कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%. आफ्टर दीज ऑपरेशंस द नंबर डज नॉट चेंज, डिक्रीजेस बाय 1%, इंक्रीजेस बाय 1% और इंक्रीजेस बाय 0.1%. तो इस क्वेश्चन में आप बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा. इनके गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि कोई नंबर है उसको पहले 10% से इंक्रीज किया है,
और फिर 10% से डिक्रीज कर दिया। अब मैंने आपको अभी अभी ये बात बताई है कि जब भी इस तरीके से परसेंटेज में आपको इन्फॉर्मेशन दी है और परसेंटेज में दोबारा कुछ पूछ लिया है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप उस एक्स को फाइंड करें। आप लेट कर लीजिए कि वो जो नंबर है, लेट द नंबर बी 100, क्योंकि अगर वो 100 के लिए भी ट्रू होगा तो सबके लिए ट्रू होगा ना। इन्होंने तो जनरल किसी नंबर के लिए बोला है, तो मान लीजिए कि वो नंबर 100 है। तो पहली कंडीशन इनकी कह रही है कि नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी नंबर अगर 100 है तो 100 को 10% ऑफ 100 से इंक्रीज करना है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिलेगा 110। अब बोला है देन रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी अब जो नंबर ऑब्टेन हुआ है इसको इसी के 10% से रिड्यूस करना है। यानी नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा 110 माइनस, क्योंकि अभी आपकी नंबर है तो इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है इसका 10%। तो ये क्या बनेगा आपका, इसका 10% क्या होगा, 10/100 ऑफ 110। तो ये इंस्टेड ऑफ 100 यहां पे आना चाहिए 110। तो ये आपका क्या आया, यहां से जीरो हो गया, ये जीरो चला गया, तो 110 माइनस 11, 110 माइनस 11 ये हो गया आपके पास 99। तो 99 आपके पास में वो आ रहा है। अब इन्होंने पूछा है कि कितना परसेंट आपका डिक्रीज है या इंक्रीज है, तो इसमें देख रहे आपको ये 99 है वैल्यू। इनिशियली आपके पास वैल्यू क्या लेट किया आपने, आपने लेट किया 100। परसेंट में बात करेंगे तो 100 अपने आप में एक 100% है, तो अब 99% हो गया। डिफरेंस कितना है, 1% का, यानी आपको मिला यहां से डिक्रीज बाय 1% implies option B has to be the correct answer. I hope आपको ये question समझ आया होगा। तो चलिए अब discuss करते हैं next question. If the price of the sugar is increased by 7%, then by how much percent should a housewife reduce her consumption of the sugar to have no extra expenditure? 7/107%, 107/100%, 100/107% और 7%। इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना होता है। जब भी आपसे ये पूछा है कि आपको कुछ अमाउंट इंक्रीज कर दिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको कुछ प्राइस इंक्रीज हो गया कुछ परसेंटेज में, और आपसे पूछा है कि आपको कुछ कंजम्पशन रिड्यूस करना है। अभी यहाँ पे हाउसवाइफ का केस दे रखा है, जनरली यहाँ पे शॉपकीपर वगैरह का भी केस दे देते हैं। इस तरीके के काफी क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं और एफकैट में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए कि रिडक्शन परसेंट इन कंजम्पशन, दिस वुड बी इक्वल टू परसेंट चेंज इन प्राइस अपॉन क्या, 100 प्लस चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस भी परसेंट में ही अवेलेबल है, तो परसेंट चेंज इन प्राइस दिस इन 200। क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज बताना है। तो आपको बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन 100 प्लस परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन 200। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको यहां से मिलेगा 7/100 प्लस 7/100। तो यहां से मिला आपको 7/107/100। तो ये कंडीशन क्या है, 7/107%, क्योंकि ये अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो ओवर 107% है, राइट। सो 7/107%, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपसे इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कुछ अमाउंट ऑफ प्राइस है किसी आर्टिकल में, वो इंक्रीज हो गया है। अब आपसे कह रहे हैं कि आपको उस आर्टिकल का कंजम्पशन लो करना है या फिर प्रोडक्शन लो करना है, तो किस परसेंट से करें, कोई एक्सपेंडिचर नहीं आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन एफकैट में पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास 40% ऑफ द बॉयज इज सेम एज हाफ ऑफ द गर्ल्स एंड देयर आर 20 गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 70, 45, 35 और 25। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, और इन्फॉर्मेशन दे रखी है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स अलग अलग के लिए। तो सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर के लिए हमें नंबर ऑफ गर्ल्स भी चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज भी चाहिए। अब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपको दे रखी है कि 20 गर्ल्स हैं, और कंडीशन दे रखी है कि 40% ऑफ द बॉयज
is same as, yani 40% of boys is equal to half of the girls. बस यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. 40% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 20/2, बिकॉज हाफ ऑफ 20%, राइट? तो ये क्या हो गया, 10. तो यहां से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या निकलेंगे यहां से, 10/100/40. बस ये आपके टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गए, यानी 25 बॉयज हैं क्लास में. नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है 20. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 20+25, यानी 45 स्टूडेंट्स टोटल है क्लास में, यानी ऑप्शन बी ट्रू है आपका. तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको थोड़ा सा समझना है लैंग्वेज को. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट्स 0.08% of the meters as defective. How many meters will he examine to reject 2 meters? 200 meters, 250 meters, 2500 meters or 3000 meters? तो इन्होंने आपको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्शन के लिए आया है और उसने कुछ मीटर इसने एग्जामिन किया है. और मान लो उस मीटर के अंदर इन्होंने क्या बोला है, मान लो एक्स मीटर क्लोथ है, तो उसमें से 0.08% उसने रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया कि ये डिफेक्टिव है. अब कंडीशन इन्होंने दे दिया कि कितना आपको मीटर चाहिए ताकि वो 2 मीटर कपड़े को रिजेक्ट कर सके, कपड़ा या कुछ भी 2 मीटर्स क्वांटिटी को रिजेक्ट कर सके. तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कि लेट इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर एग्जामिन्स x meters, अगर वो x meters को ही examine कर रहा है, तो as per the given condition 0.08% of x, ये आपको दे रखा है ना कि ये 2 है. क्यों? क्योंकि how many meters will he examine to reject 2 meters, तो इतना percent reject कर रहा है वो x में, और वो rejection आपको दे रखा है 2 meter है. बस यहां से equation form हो गई, तो ये बन गया आपका x into 0.08/100. That's equal to 2. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये हटा दीजिए, यहां पे 2 जीरो और लग जाएंगे. x is equal to 2 × 10,000/8. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से आगे आपके पास में 2500 meters. तो 25 meters is the amount he is examining to reject 2 meters. तो ये है आपका ऑप्शन सी में गिवन. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए. आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा. ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन में. अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट कहीं पर वीक हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को बाय कीजिए, अपने कंसेप्ट को पॉलिश कीजिए, क्योंकि इन डिटेल परसेंटेज कवर किया गया है हमारे एफकेट कोर्स के लिए. और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल.